हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले देखिए विस्तृत संविधान। तो भारत का जो संविधान है वह सबसे लंबा है और सबसे विस्तृत संविधान है, ठीक है। और इसकी जो ये विशेषता है विस्तृत होने की, ये क्यों है? क्योंकि हमने जो है अन्य देशों के संविधान के स्रोतों को इसमें शामिल किया है, इस वजह से इसका स्वरूप जो है वो कैसा हो गया है, विस्तृत हो गया है। क्योंकि यदि हम तुलना करते हैं तो विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान है किसका है, अमेरिका का है, जिसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा का जो संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं तो वहां पर 128 अनुच्छेद है। और यदि हम भारत देश की बात करते हैं तो पूरे देश का एक ही संविधान है। और विस्तृत और होने का कारण ये भी है कि यहाँ पर हमने जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, इससे संबंधित जो प्रावधान है वह भी शामिल किए हुए हैं। तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विस्तृत कह सकते हैं, और सबसे लंबा संविधान है, और जो कि लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जो कि विश्व का सबसे छोटा संविधान है। लिखित संविधान है लेकिन सबसे छोटा संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स का कहना है कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। तो ये आप लाइन ध्यान में रखें कि किसने कहा है भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान, तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। नेक्स्ट देखें लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वह कैसा है, लिखित संविधान है, ध्यान में रखना है। जबकि यूएसए का संविधान जो है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। सो सबसे पहला जो लिखित संविधान है वह है अमेरिका का। ब्रिटेन का संविधान जो है परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है और यह अलिखित संविधान है। जो भी वहां पर परंपरा चली आ रही है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, कि वहाँ जो है जो रानी है उन्हीं का शासन है, ठीक है, तो वहाँ की जो परंपरा है, प्रथा है, तो इसके आधार पर ही वहाँ का संविधान है, और जो कि अलिखित है। थर्ड देखिए संसदीय शासन प्रणाली। तो इस प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों ही अलग अलग व्यक्ति होते हैं और कार्यपालिका जो है वही प्रमुख शासक होती है। वास्तविक शक्ति जो है वह कार्यपालिका के पास में ही होती है। वहीं पर दूसरी ओर होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, इसमें राज्य का जो अध्यक्ष है वो सरकार का भी अध्यक्ष होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्य का मुखिया अलग है और सरकार का मुखिया अलग अलग है, ठीक है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही चयनित है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। इसी व्यवस्थापिका ने जो है कार्यपालिका में जो भी सदस्य हैं तो यहां पर आते हैं इसी व्यवस्थापिका में से, तो ये कार्य किसके लिए करेगी, इस व्यवस्थापिका के लिए ही करेगी, तो इसी के प्रति ये उत्तरदायी रहती है। फिर देखिए दोहरी कार्यपालिका है, ये मैंने आपको बता दिया। दोहरी कार्यपालिका कैसे है, राज्य का जो मुखिया है वो अलग है और सरकार का जो मुखिया है वो है अलग है, दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ जो है भारत में दोहरी कार्यपालिका है जो कि केंद्र और राज्य दोनों में है। जहां केंद्र की हम बात करें तो केंद्र में नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं और वहीं कार्यपालिका में वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री हैं और इनकी मंत्रिपरिषद है। तो भारत और यूके दोनों में ही दोहरी कार्यपालिका है। ये सभी शब्द जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अर्थात भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जो भी कार्य करेंगे तो इनसे जो है सहमति लेंगे और मुखिया कौन है मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री। अगली विशेषता देखिए संविधान की, मुख्य विशेषता है मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों को हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। भारत का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है और भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है 6 मूल अधिकारों की घोषणा उसमें की गई है, ठीक है।
यह राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्वंदन के रूप में है। राज्य द्वारा मूल अधिकार के प्रतिकूल बनाई गई विधि न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की जा सकती है और न्यायालय मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। यानी जो हमारा न्यायालय है वह मूल अधिकारों को सुरक्षित रखता है, संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार हैं ये जो है संविधान के मूल तत्व हैं, और मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों को राज्य जो है वो तानाशाही ना करे तो उसके विरुद्ध संरक्षण देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य द्वारा मूल अधिकारों के प्रतिकूल बनाई गई विधि न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। फिफ्थ जो विशेषता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका अभिप्राय क्या है कि संविधान द्वारा राज्य जो है उसको निर्देश दिए गए हैं कि राज्य जो है किस प्रकार के तत्वों पर अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा। राज्य जो है जो भी तत्व हैं उनको ध्यान में रख कर जो है अपनी नीतियों को बनाएगा और उन नीतियों से इस देश का संचालन करेगा। तो ये जो निर्देशक तत्व हैं वह किसके लिए हैं? राज्य के लिए। राज्य को जो है इसमें निर्देशन दिया गया है। तो भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 तक हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनको शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्धारण में मार्गदर्शक का काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, वाद योग्य नहीं है। यानी कि जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके लिए न्यायालय जो है इनको बाध्य नहीं करेगा, किसी भी कर्तव्य को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ये केवल राज्य के लिए क्या है? निर्देश है। उद्देश्य क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का? लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। इसकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। आस्टिन का कहना है कि इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है। जो भी ये तत्व हैं राज्य के नीति निर्देशक, तो इनको क्या कहा है? राज्य की आत्मा कहा है। राज्य जो है इन तत्वों को ध्यान में रखकर, जो भी 36 से 51 में दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान में रखकर जो है अपनी नीतियां बनाता है और उन नीतियों से इस देश को क्या करता है? संचालित करता है। नेक्स्ट विशेषता है मूल कर्तव्य। अब देखिए, मूल कर्तव्य जो कि मूल संविधान में जो है शामिल नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है कि जो मूल कर्तव्य हैं संविधान में वह किसकी सिफारिश पर बाद में जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग चार के, भाग चार जो है वह किसका है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो उसी में एक और जो है जोड़ा गया है, भाग चार के अनुच्छेद 51 के, इसको जोड़कर कुल 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराने का कर्तव्य रहेगा। किसका? बच्चों के माता पिता या उनके संरक्षक पर। ठीक है, तो मूल अधिकार हमने देखा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया कि निशुल्क शिक्षा जो है वह प्रोवाइड कराई जाए, बच्चों को अवसर मिले, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं तो उनको शिक्षा मिले। यहाँ पर कर्तव्य है ये माँ बाप का, संरक्षक का, कि इनको जो है ये अवसर प्रदान करने में मदद करें, उनको शिक्षा से वंचित न रहने दें। 7th है नम्यता या अनम्यता का अनोखा मिश्रण। तो हमारा जो संविधान है, नम्यता का अर्थ क्या है कि ये जो है लचीला है, और अनम्यता यानी कि कठोर है, यानी लचीला और कठोर दोनों का ही समन्वय है हमारे संविधान में। संशोधन की दृष्टि से संविधान दो प्रकार का होता है, या तो वह फ्लेक्सिबल नम्य होता है, लचीला होता है, या अनम्य यानी कठोर होता है। यानी संविधान के किसी भी प्रावधान में यदि कोई चेंजमेंट करना है, संशोधन करना है, तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा इसके द्वारा साधारण बहुमत या विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लचीला है। सर आइवर ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है। किसने कहा है? सर आइवर ने कहा है। 8th विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, तो इसमें सरकार के जो हैं कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक है कार्यपालिका, दूसरी है
विधायिका और तीसरी है न्यायपालिका। ठीक है, तो तीनों ही जो अंग हैं इनके बीच में शक्तियों का जो है पृथक्करण किया गया है, जहां पर कार्यपालिका हम देखते हैं कि विधायिका में से ही जो है निकलकर आती है, लेकिन न्यायपालिका जो है इन दोनों से अलग है, स्वतंत्र है, क्योंकि न्यायपालिका जो है अपने कार्यों को निष्पक्षता और कुशलता से तभी कर सकती है जब वह स्वतंत्र हो, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। ठीक है, तो इसीलिए न्यायपालिका को विधानमंडल और कार्यपालिका के जो अधीन नहीं रखा गया है, ये स्वतंत्र रहकर ही नागरिकों के जो भी अधिकार हैं, जो भी शक्तियां हैं, यदि उनका दुरुपयोग हो रहा है तो उनको रोकने के लिए जो है यह संतुलन बनाए रखती है, नियंत्रण भी रखती है, क्योंकि न्यायपालिका के तहत ही नागरिकों के अधिकारों का जो है हनन नहीं होता है, संरक्षण होता है। यदि शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इन तीनों अंगों के बीच में पर्याप्त तो जो है नियंत्रण रह सके, संतुलन रह सके, तो इसकी व्यवस्था न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। संघात्मक संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में यदि विवाद है तो उसका समाधान संविधान के निर्वाचन का दायित्व जो है वह किस पर होता है? न्यायपालिका पर होता है। उस पर संविधान व मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। अतः न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना आवश्यक है। तो यहाँ पर संविधान का ये कर्तव्य होता है कि यदि राज्य राज्य के बीच में यदि विवाद हो रहा है, केंद्र राज्य के बीच में विवाद हो रहा है, तो किसके पास जाकर जो है वो बात को कहें, जो उसका सॉल्यूशन दे, तो उसके लिए वहां पर जाया जाएगा जो कि खुद स्वतंत्र है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। तो यहाँ पर राज्य हो या नागरिक हो, तो उनके मूल अधिकार और संविधान जो है उसका संरक्षण का दायित्व किसके ऊपर है? न्यायपालिका के ऊपर है। तो इसीलिए न्यायपालिका जो है उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता तथा यूएसए की न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय किया गया है। यानी हमने जो है संविधान जो है हमारा, उसमें हमने इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता और अमेरिका की जो न्यायिक सर्वोच्चता है इसको शामिल किया है। डीडी बसु ने इसे अद्भुत समन्वय कहा है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि इन विधियों और आदेशों को निरसित कर दे जो संविधान के विरुद्ध हैं, और संसद को भी अधिकार है कि वह विधि के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दे। नेक्स्ट देखिए, वयस्क मताधिकार। भारत में मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष थी पहले, जिसे घटाकर जो है कितना कर दिया गया है, अब 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु अब कितनी हो गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। तो भारत में सभी वयस्क नागरिक को बिना धर्म, बिना जाति, बिना रंग या लिंग भेद के चुनाव प्रक्रिया में मतदान का अधिकार है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है वो नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले, तो इस वजह से ये प्रावधान किया गया है, जिससे कि राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके। नेक्स्ट देखिए विशेषता, केंद्राभिमुख संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो है अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हमारे संविधान में जो है भारत इंडिया किस शब्द का प्रयोग हुआ है, या हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भारत और इंडिया जो है राज्यों का एक संघ होगा, ये दो शब्द जो है वहां पर लिखे हुए हैं। भारतीय संविधान जो है संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति को धारण करता है। संघात्मक शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको बताया था, कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन प्रणाली को भारत में। इसमें जो है जो केंद्र है, संघ जो है और राज्य, तो इनमें शक्तियों का जो है वो विभाजन किया गया है। तो संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति को यह धारण करता है। संघात्मक संविधान है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। स्वतंत्र न्यायपालिका है,
लिखित संविधान है, ये तो है संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान का अर्थ क्या है इसमें, कि जो है एकल नागरिकता है, यानी कि बहुत सारे राज्य हैं भारत में, लेकिन नागरिकता जो है वह कैसी है, एकल है। अगर हम पूछें किसी से कि आप जो है कहाँ के नागरिक हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि हम जो है राजस्थान के हैं नागरिक, या हम हरियाणा के नागरिक हैं, या हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। उसका यही कहना होगा कि हम जो है भारत के नागरिक हैं। तो इसका अर्थ यही है एकल नागरिकता, यानी संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आपातकालीन उपबंध नए राज्यों के निर्माण की शक्ति, तो ये एकात्मक संविधान की विशेषता है। प्रोफेसर के सी वेयर भारतीय संविधान को एक अर्ध संघीय संविधान कहते हैं। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं केंद्राभिमुख संविधान। ऑस्टिन का कहना है कि यह सहकारी संघवाद है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। नेक्स्ट देखिए, एकल नागरिकता मैंने आपको अभी समझाया, सिंगल सिटीजनशिप। संघात्मक संविधान द्वारा सामान्यतः दोहरी नागरिकता प्रथम संघ की और द्वितीय राज्य की, इसका प्रावधान किया जाता है, जैसे कि अमेरिका में। भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में जो है एकल नागरिकता है, और अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वहां पर दोहरी नागरिकता है, यानी वहां पर जो है केंद्र का भी अलग जो है नागरिक है, और जिस राज्य में वह रह रहा है तो उसका भी अलग नागरिकता उसको प्राप्त है। लेकिन भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता को रखा गया है। तो ये कितनी जो है अच्छी बात है और कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट देखें, संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, यानी संविधान जो है वह सबसे उच्च है। कोई भी प्रावधान होंगे संविधान में जो लिखित है उसको ध्यान में रखकर ही किए जाएंगे। विधि का शासन, सभी नागरिक जो है वो विधि के समक्ष समान है। यानी एक तरफ यदि हम कहें कि ये जो है सामान्य नागरिक है, और दूसरी तरफ जो है यह राष्ट्रपति हैं यहाँ पर, तो दोनों ही इक्वल हैं संविधान के सामने जो है, वो दोनों ही बराबर है। आपातकालीन उपबंध, संविधान में तीन प्रकार के संकट काल या आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 है। राज्यों में सांवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, अनुच्छेद 356 है। वित्तीय संकट यदि होता है तो उसके लिए अनुच्छेद 360 में प्रावधान है। आपातकाल में सबसे प्रमुख प्रभाव ये होता है कि हमारा संघात्मक शासन जो है वो एकात्मक हो जाता है, और आपातकाल में सबसे प्रमुख प्रभाव ये होता है कि हमारा संघात्मक शासन जो है वो एकात्मक हो जाता है, ठीक है। और भारत में आपातकालीन शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। ग्राम पंचायतों की स्थापना। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में कहा कि ग्राम पंचायतों की स्थापना कर इन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई बनाया जाए। तो भारतीय संविधान की ये सभी विशेषताएं थी, जिसमें हमने देखा कि हमारा संविधान जो है सबसे लंबा है, विस्तृत संविधान है। कारण क्या है कि हमने जो है बहुत सारी विशेषताएं शामिल तो की हैं, इसके साथ साथ अन्य देशों के संविधान के जो स्रोत हैं उनको भी हमने शामिल किया है, और इस वजह से इसका स्वरूप जो है वह विस्तृत हो गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ संविधान हमारा लचीला भी है, कठोर भी है, इसमें जो है मूल अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है, नीति निर्देशक तत्व उनकी व्यवस्था है, मूल कर्तव्य जो है वह भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। एकल नागरिकता है, आपातकालीन प्रावधान शक्तियां हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसकी प्रमुख विशेषता है। जहां 21 वर्ष उम्र थी उसे घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई है, कि मतदान जो है वो 18 वर्ष न्यूनतम आयु जो है, तो जो भी व्यक्ति है वह वोट दे सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि शक्तियों का पृथक्करण की जो बात है वह भी हमारे संविधान की विशेषता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो यहाँ पर जो है कोई भी जो सत्ता है वह केंद्रीकरण और दुरुपयोग जो है ना करे, तो इस वजह से इसको रोकने के लिए शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। अब देखिए संविधान के स्रोत, यानी हमारा संविधान विस्तृत है, लंबा है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? कारण जो है यहाँ की जो भौगोलिक दशा है,
इस वजह से भी है। दूसरा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, इसको शामिल किया गया है, ये भी वजह है। और तीसरा हमने जो है अन्य देशों से जो भी संविधान के उनके स्रोत हैं उनको शामिल किया है। तो अब हम जो है यही चीज देखेंगे कि हमने कहाँ से कौन कौन से स्रोत लिए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है, न्यायपालिका, राज्यपालिका कार्यालय, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपवन, ये शामिल किया है, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह पूछा जाएगा कि न्यायपालिका जो है ये स्रोत जो है हमने कहाँ से शामिल किया है अपने संविधान में, तो आप ध्यान में रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या शामिल किया है, संसदीय शासन प्रणाली शामिल की है, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली। वहीं हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए हैं, इम्पोर्टेंट है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, राष्ट्रपति महाअभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। आयरलैंड से हमने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, आपको याद है, साथ में राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वह भी हमने आयरलैंड से ली है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की जो प्रक्रिया है वह भी हमने कहां से ली है, आयरलैंड से। नेक्स्ट देखिए, कनाडा से हमने क्या लिया है, संघात्मक शासन व्यवस्था ली है, राज्यपाल पद लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त तो बैठक है यह हमने कहां से शामिल की है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो जर्मनी का वाइवर संविधान आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, तो ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। वहीं पर आपको ये भी पता होगा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो मूल अधिकार हैं वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं, यानी इन दो अधिकारों को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं वो आपातकाल में स्थगन हो जाता है। सोवियत संघ का संविधान जहां से हमने लिए हैं मूल कर्तव्य, पहले 10 थे और उसमें एक मूल कर्तव्य जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जहां पर माता पिता का कर्तव्य क्या है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखें और उनको जो है वो पढ़ाई के लिए आगे भेजें। प्रस्तावना जो है, उद्देशिका जो है, वह भी हमने कहां से ली है, सोवियत संघ से ली है। फ्रांस का संविधान जो है जहां से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये सभी हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है वहां से हमने संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है और इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो किस तरीके से होगा, तो ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट किए हैं। वहीं पर जापान का जो संविधान है वहां से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह शामिल की है। तो इस तरीके से ही हमारा संविधान जो है वह विस्तृत है और काफी लंबा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संविधान के प्रमुख भाग। तो हमें पता है कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो भाग एक जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग दो में नागरिकता है, 5 से 11 अनुच्छेद तक है। भाग जो 3 है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाता है, मौलिक अधिकार है। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और अब जो है कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। तो 12 से 35 तक जो है हम अनुच्छेद में ये पढ़ते हैं, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। उसके बाद भाग 4 जो है किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद भाग 4 में ही जो है एक और जो है संविधान का जो अनुच्छेद है वह जोड़ा गया, भाग 4 अ या कहें भाग 4 क, मौलिक कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, 51 क्या। भाग 5 में संघीय सरकार है, संघीय सरकार में देखिए कार्यपालिका आ जाती है, संसद के दोनों सदन आ जाते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आ जाती हैं, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, तो ये हम संघीय सरकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो संघीय सरकार जो है वो 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक जो है हमें, कार्यपालिका 52 से 78 तक, संसद
79 से 122 तक, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, तो ये सभी हमें जो है इन अनुच्छेदों में पढ़ने को मिलेगा। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वह अनुच्छेद 123 के तहत, संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 के तहत, जिसमें ये है कि जो संघ की न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका गठन जो है वह कब किया गया, ठीक है, किस तरीके से होता है, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, क्या शक्तियां होती हैं न्यायपालिका की, ये सब कुछ अनुच्छेद 124 से 147 में पढ़ेंगे। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो विधि अधिकारी होता है सबसे बड़ा, तो वह हमको पढ़ना है अनुच्छेद 148 से 151 तक। नेक्स्ट जो भाग 6 है उसमें हम राज्य सरकार को पढ़ेंगे 152 अनुच्छेद से लेकर 237 तक, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, कार्यपालिका है ना, राज्य का विधान मंडल जो है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, तो ये सब कुछ राज्य सरकार के टॉपिक में आ जाएगा। उसके बाद देखिए भाग 7 जो कि निरस्त हो चुका है, जिसका खंड है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 238 निरस्त हो चुका है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है 239 से लेकर 242 तक। फिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाग 9 में किसका वर्णन है, पंचायतों का, 243 से 243 ड़ा तक, यानी कि जो 243 अनुच्छेद है उसके कई जो है उपभाग हैं, तो उसमें हमें पंचायतों का वर्णन मिलता है। भाग 9 का ही, 9 का जो है जो कि बाद में जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, नगर पालिकाएं 243 त से लेकर 243 छ, तो इसके आगे जो भी अनुच्छेद हैं वह जुड़ते चले गए भाग 9 में। भाग 9 है जो है सहकारी समितियां, जो कि 7वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया, और यह 243ZH और 243ZT यहाँ तक जो है सहकारी समितियों से संबंधित जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 10 किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है उससे संबंधित है, 243 से लेकर 244 का तक। नेक्स्ट देखें भाग 11 संघ और राज्य के बीच में संबंध 245 से 263 तक है। उसके बाद अनुच्छेद 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है भाग 12 में, इसमें है कि अध्याय 4 जो है संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है, ये मौलिक अधिकार था जिसे हटाकर अब क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, तो आप ध्यान में रखें अनुच्छेद 300 का। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो ये है अनुच्छेद 301 से 307 में। भाग 15 संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं 308 से 323 तक है, जिसमें दो अध्याय, अध्याय 1 सेवाओं से संबंधित है और अध्याय 2 लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो लोक सेवा आयोग का जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 308 से 314 जो है सेवाएं हैं संघ और राज्य के अधीन जो है, और लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक है। भाग 14 का जो है वह बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976, अधिकरण जोड़ा गया 323 का से 323 खा तक। उसके बाद है महत्वपूर्ण भाग, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित 324 से 329 का तक, ठीक है, तो ये भाग जो है वो है महत्वपूर्ण है, जो भी महत्वपूर्ण है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342, तो एक नजर तो आपको सभी भागों पर देनी है कि कौन सा भाग जो है किससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 17 राजभाषा से संबंधित, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है। भाग 18 आपात उपबंध का वर्णन है 352 से 360 तक, ठीक है, 352 जो अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रीय आपात पूरे देश में या फिर देश के एक भाग में लग जाता है। उसके बाद इसी में अनुच्छेद जो 356 है राष्ट्रपति शासन, वह भी एक या एक से अधिक राज्यों में लग सकता है। और 360 जो है अनुच्छेद वित्तीय आपात से संबंधित है।
भाग 19 जो है वो प्रकीर्ण से संबंधित है, 361 से 367 तक। उसके बाद भाग 20 संविधान का संशोधन, 368 अनुच्छेद है, ध्यान में रखिए ये इंपॉर्टेंट है। भाग 21 जो है अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध, 369 से 392 तक है। और उसके बाद है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 339 से लेकर 395 अनुच्छेद तक है। तो महत्वपूर्ण भाग जो कि आप याद रखेंगे, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक, नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद तक, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा भाग जो है मौलिक अधिकार का है, 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार जो हैं वह दिए गए हैं। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 तक। ये आपको याद करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क है, यह भाग 4 ए है, मौलिक कर्तव्य जो है 51 क में है। और उसके बाद भाग 5 जो है संघीय सरकार से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151 तक, क्योंकि इसमें जो है हम देखते हैं राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखना होगा। तो भाग 5 जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। भाग 6 यहाँ से प्रश्न आता है राज्य सरकार से संबंधित, और 152 से लेकर 237 तक जो है राज्य सरकार जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट रहेगा आपका अनुच्छेद 9, 9 क और 9 ख, ठीक है। पंचायतें 243, बड़ा नगर पालिकाएं 243 त से लेकर 6 तक, सहकारी समितियां 243 ZH से लेकर ZT तक, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट देखिए अनुसूचित जनजाति और जाति जो है भाग 10 में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट रहेगा और वो रहेगा आपका भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, 324 जो है वो अनुच्छेद आप ध्यान में रखें। और भाग जो 17 है राजभाषा से संबंधित है, 343 अनुच्छेद है, ये आपको याद रखना है। आपात उपबंध में तीनों अनुच्छेद याद रखेंगे, 352, 356 और 360। वहीं पर संविधान का संशोधन जो भाग 20 है, 368, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट भाग जो हैं ये तो आप ध्यान में रखेंगे और याद भी करेंगे, और इनमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है भाग याद करें और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिए गए हैं ये आपको याद करना है। उसके बाद आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे हम केंद्र सरकार का, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तो वहां पर जो इम्पोर्टेंट रहेंगे अनुच्छेद वो मैं आपको वहां पर बताऊंगी, जिससे कि आसान हो जाएगा आपका अनुच्छेद याद करना, क्योंकि अलग से यदि आप अनुच्छेद याद करते हैं तो वो याद नहीं हो पाते हैं, टॉपिक के साथ में याद करेंगे तो वो याद होंगे। नेक्स्ट देखिए संविधान की अनुसूचियां, तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची और संविधान का पहला भाग राज्य और संघ शासित प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। जहां पर जो हम भाग देखते हैं उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुसूचियों में भी पहली अनुसूची जो है वह भी राज्य और संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और इससे पहले देखिए 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो है एक नया राज्य बनता है, तो उस वक्त जो है कितने राज्य हो जाते हैं, 29 राज्य हो जाते हैं। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं, तो यहां पर एक राज्य जो है कम हो जाता है, जम्मू कश्मीर। तो वापस जो है कितने राज्य हो जाते हैं, 28 राज्य हो जाते हैं। तो इस तरीके से वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28-8, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अनुसूची जो है प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता, इसकी बात की गई है। तो राज्यों के जहां राज्यपाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति हैं, और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। तो इनके जो वेतन भत्ते का उल्लेख है ये दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन है, जहां पर केंद्र के जो भी मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे।
और संसद के जो निर्वाचन में जो भी आते हैं सदस्य, वो सभी जो है यहाँ पर शपथ लेंगे तीसरी अनुसूची के तहत। कोई भी राज्य का जो मंत्री है या विधानमंडल के जो निर्वाचन के लिए जो भी सदस्य होते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, तो वो सभी शपथ ग्रहण करेंगे संविधान की अनुसूची 3 के तहत। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो यहाँ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन दिया गया है। और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वहाँ की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है किसी भी राज्य की। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है इस वक्त किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है। तो राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की जो है वह 31 है। उसी तरीके से राजस्थान की यदि बात करें तो राज्यसभा के जो है 10 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जो है किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। और राज्यसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। पांचवी अनुसूची जो है वो एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, इनका जो प्रशासन है, नियंत्रण है, तो इससे संबंधित प्रावधान इसमें दिया गया है। छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, संघ राज्य और समवर्ती सूची में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, जिसमें जो संघ है वह राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय इसमें शामिल होते हैं जो सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे रक्षा का विषय है, विदेश है, बैंक है, जनगणना है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र को है, संघ को है। वहीं पर राज्य सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, और जिसमें कृषि है, पुलिस है, स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था है, ऐसे विषय हैं इन पर राज्य जो है वह कानून बना सकता है। समवर्ती सूची, यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार जो है संघ और राज्य दोनों को ही है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊपर किसको रखा जाएगा, केंद्र को रखा जाएगा। जब कोई ऐसा विषय हो जाता है जब केंद्र और राज्य दोनों में विवाद हो जाए, तो ऐसे में संघ जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो इस समय जो संघ सूची है उसमें 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। ठीक है, और इससे पहले जो है संघ सूची 97 विषय शामिल थे, 97 से बढ़कर 100 हो गए। राज्य सूची में 66 विषय थे, तो 5 जो है कम होकर 61 विषय शामिल हो गए हैं। समवर्ती सूची यहाँ पर 47 विषय थे, तो बढ़कर जो है वो 52 विषय हो गए हैं। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो भाषा की बात जो है, हमने जब भाग पढ़े थे संविधान के, तो वहां पर भी हमने ये चीज देखी थी कि अनुच्छेद 344 जो है वहां से हम जो है भाषा संबंधित प्रावधान देखते हैं। ठीक है, जहां पर 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, तो आठवीं अनुसूची भी भाषा से संबंधित है। मूल रूप से 14 भाषा थी, लेकिन अब कितनी है, 22 है। नौवीं अनुसूची भू सुधार और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है और न्यायालय में अपरिवर्तनीय विषय है, इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो 10वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है इसमें। और जो 52वां संविधान संशोधन 1985 उसके द्वारा ये अनुसूची जो है वह बाद में जोड़ी गई। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जो है इसमें संशोधन भी किया गया, और इसका उद्देश्य जो है एक तो दल बदल को रोकना और उसके साथ साथ केंद्र और राज्यों का जो मंत्री परिषद का आकार है वह निश्चित करना है। 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई, इसमें पंचायत संबंधी प्रावधान है, पंचायत की शक्तियां हैं और 29 विषय इसको सौंपे गए हैं। तो भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, बाद में जोड़ा गया है अनुच्छेद 243। ठीक है, और वही 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियां जिसमें 29 विषय हैं बाद में जोड़े गए हैं, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, ये आप ध्यान में रखें, 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची जो है यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई है, शहरी स्थानीय संस्थाओं को सांविधानिक मान्यता मिल सके इसीलिए। तो इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग जो है वह जोड़ा, भाग 9 के नगर पालिकाओं के नाम से, जो कि हमने भाग जब पढ़े थे तो उसमें देखा था अनुच्छेद 243 के कुछ भाग थे वो उसमें जोड़े गए थे। इस तरीके से हमारे संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची जिसमें क्या है कि राज्य
और संघ राज्य क्षेत्र इनका वर्णन है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची जो है वह राज्यों के जो भी पदाधिकारी हैं, केंद्र के जो भी पदाधिकारी हैं, तो उनके वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उससे संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति जनजाति से, ठीक है। उसके बाद पांच क्षेत्र जो बताए गए थे, पांच राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ की जो जनजातीय क्षेत्र है उससे संबंधित है छठी अनुसूची। सातवीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? संघ राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। उसके बाद आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नौवीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार संबंधी कानून जो है उनका प्रावधान किसमें दिया गया है? नौवीं अनुसूची में। दसवीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ग्यारहवीं बारहवीं जो बाद में जोड़ी गई, ग्यारहवीं पंचायतों से संबंधित और बारहवीं नगर पालिकाओं से संबंधित। इस तरीके से 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। तो चलिए यहाँ तक जो है आप रिवाइज करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।